आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने सभी व्यूअर के लिए लाया हूँ एक प्रोलैप्स का केस, और एक ऐसा प्रोलैप्स का केस जो शायद इस तरीके का प्रोलैप्स आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये जो गाय आप देख रहे हैं, जब ये 4 महीने की गर्भित थी, उस अवस्था में इसको लंपी हो गया था और लंपी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था। इसकी सीबीएलटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये 8 दिन से कुछ खाई नहीं थी और 3-4 दिन से ये बैठी नहीं थी। उस अवस्था में जो कई सारे लोग इसका ट्रीटमेंट किए थे, लेकिन इसको कोई आराम नहीं मिला था। तो जो इसका ओनर था, जो वर्तमान ओनर है, ये नहीं था, ये दूसरे के यहाँ थी, वहाँ से ये परचेस करके लाया था। और थोड़ा सा इसमें और मैं बता दूँ, ये जो वर्तमान पशुपालक है उसी समय इस पशु को ख़रीद लिया था, लेकिन जो पहले पशुपालक था उसने इस गाय को हैंडओवर इसको इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसको बीमारी हो चुकी थी। तो बीमार पशु को वो देना नहीं चाह रहा था, जबकि ये पशुपालक उससे ख़रीद लिया था। उसके बाद जब इसका ट्रीटमेंट किया हूँ, जिस दिन मैं ट्रीटमेंट किया हूँ उसी दिन ये जाकर के बैठी है, और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ये चारा उठाना शुरू की है। वहाँ से तो ये बच निकली। उसके बाद जब ये गाय सही हो गई तो इस पशुपालक ने अपने घर पर ले आया। समय बीतता गया और जब इसका बच्चा देने का समय आया तो उस समय इसको बच्चा देने में समस्या हो रही थी। आगे पूरी कहानी जानने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए सबसे पहले जो पशुपालक से हमारी वार्तालाप हुई है उसके कुछ अंश सुनते हैं, फिर इसके आगे की कहानी सुनते हैं। बच्चों पेट में मरा रहा है, कई बजे रात निकाल रहा है? 9 बजे। लंपियों पे तो कबर हो रहा है, हमें इलाज कह रहे हैं। मतलब एक शरीरिया भरमा कहीं आपको बचा नहीं रहा है, और जब मैं इसका इलाज किया था वो 3-4 दिन से बैठी नहीं थी। जिस दिन मैं जाकर के इलाज किया हूँ उस दिन जाकर के ये बैठ पाई है। जब इस गाय का लंपी का ट्रीटमेंट किया गया तो उस समय ये सही हो गई। उसके बाद समय बीता गया और जब इस गाय में बच्चा देने का समय आया तो जिस दिन ये दर्द ले रही थी उस दिन ये पशुपालक थोड़ा सा बेचैन हुआ, तो उसको लगा कि आज गाय बच्चा देगी। तो यह लोकल के जो प्रैक्टिस करते हैं उनको बुला के लाया, उसने देखा तो उसने कहा कि अभी इसको समय नहीं हुआ है कि ये बच्चा दे, तो वो चला गया। लेकिन रात में ये 8 बजे से ज़्यादा प्रेशर लेने लगी और लगभग 9 बजे के आसपास उस बच्चे का जो पैर है अगला वाला वो बाहर आ गया। लेकिन उसके बाद ये गाय लगातार ताकत ले रही थी लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद ये पशुपालक जो गांव के बगल एक खादिक थे उनको बुला करके लाया और बुला करके फिर इस बच्चों को हिंचवा करके निकाला। ये बच्चा इस तरीके से फंसा हुआ था कि इसको गाँव के 14-15 लोग मिल करके रस्से में बांध करके खींचे थे, तब जा करके इस बच्चे को निकाल पाए थे। इस केस में बच्चा तो किसी तरीके से निकाल दिए लेकिन उन्होंने इतनी मिसहैंडलिंग की जिसकी वजह से यूट्रस 3 जगहों से फट चुका था। वो जो हादिक था वो यूट्रस को अंदर डालता था लेकिन वो गाय प्रेशर लगा करके बाहर निकाल देती थी। इसके बाद जब सारी कोशिश करने के बाद वो बच्चेदानी अंदर नहीं रुकी, तब उस हादिक ने क्या किया, जो गांव में घर में सुई डोरा होता है उसी के माध्यम से उसके बलबर लिप को सिल दिया। लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा ले रही थी और धागा चूंकि पतला होता है तो उसने क्या किया, बलबर लिप को फाड़ते हुए बच्चेदानी बाहर निकल गई। अब देखिए इसमें कितना कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुआ। एक तो मिसहैंडलिंग की वजह से ऑलरेडी 3 जगह यूट्रस फट चुका है और दूसरा उसका बल्बर लिप पूरी तरीके से छत बिछत हो गया था। अब ऐसी परिस्थिति में जब पशु की इतनी दुर्दशा हो चुकी हो, इसके बाद जिस अवस्था में यह है इसी अवस्था में बिना ट्रीटमेंट के ये 14 से 16 घंटे तक अगर ऐसे पड़ी रहती है, उसके बाद इस एनिमल का आप जो इलाज करेंगे, इलाज करने के बाद इस तरीके के केस को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके का केस अगर आपको मिलता है तो आपको कैसे हैंडल करना होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।